दानापुर थाना क्षेत्र में विगत दो दिन पूर्व जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी और मारपीट में मां और पुत्र को गोली लगने से जख्मी हो गए थे, जिसका इलाज सोगना मोड़ स्थित निजी अस्पताल में चल रहा था। शनिवार की अहली सुबह मां धर्मदेवी की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजन और आसपास के ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस दौरान मृतक की पोती शिल्पी कुमारी ने कहा कि गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मेरी दादी की मौत हो गई है। घटना हुए 3 दिन हो गए लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अभी तक एक भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया है। सभी गोली मारकर खुलेआम घूम रहे हैं। मन में इतना डर बैठ गया है कि घर से 10 लोग हॉस्पिटल में ही दिन और रात गुजार रहे हैं। जब तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं होती हम लोग घर जाने से भी डर लग रहा है। वहीं सूचना पाकर थाना अध्यक्ष समाधिपत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। मेरी दादी का जान चला गया, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। 4 दिन हो गया, किसी का अरेस्टिंग भी नहीं हुआ है। गोली मार के अपराधी खुलेआम घूम रहा है, प्रशासन क्या करेगा? हम लोग कानून का सहारा ले रहे हैं, कानून कुछ करवे नहीं करेगा तो कानून किस लिए बना है? कानून हम लोग के सपोर्ट के लिए ना बना है। सब कोई कहता है कि कानून का सहारा लो, कानून घर पे जाके बैठ गया, उसको अभी तक अरेस्टिंग चाहिए ना। हम लोग के मन में इतना डर बैठ गया कि हम लोग घर तक अपने नहीं जा पा रहे। सब लोग जितना लोग 10 जन हॉस्पिटल में रात को सोते हैं। छोटा सा दिनांक 8/11/23 को गोलीबारी हुई थी आपको लखनी बीघा गाँव में जमीन के विवाद को लेकर, जिसमें 3 लोग आराम से इंजर्ड हुए थे और 2 लोग ऐसे छोटे कुल 5 आदमी इंजर्ड हुए थे। उसी में एक वृद्ध महिला थी जिनका उम्र 70 वर्ष के आसपास होगा, उनकी मृत्यु आज हो गई है।